लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई है। विदेश से आने जाने वाले यात्रियों की जांच करने के निर्देश। 15 दिन तक स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में यात्री रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के नए वेरियंट को लेकर गंभीरता जताई जा रही है और इसकी वजह से अलर्ट जारी किया गया। कोरोना के नए वेरियंट को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया, एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि B11529 कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया, जिसको लेकर अब सतर्कता बढ़ा दी गई है और ऐसे में आदेश जारी किया गया है, जो भी बाहर से लोग आएंगे वो 15 दिन तक स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में रहेंगे 15 दिन तक यात्री। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। कोरोना के केसेस फिर से बहुत ज़्यादा ना बढ़ें और स्थिति बद से बदतर ना हो, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग यहाँ अलर्ट है और इसके साथ ही सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। 15 दिन तक स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में यात्री रहेंगे, ये बड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, जिस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि के बाद से अब लगातार स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है, इसके साथ ही जो विदेश से आने वाले लोग हैं उनको 15 दिन तक स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में रहना होगा, और क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो नए वेरिएंट्स के आइडेंटिफाई होने के बाद निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए जो है ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि जो भी लोग, जो भी ऐसे यात्री हैं जो विदेश से आ रहे हैं, या फिर ऐसे यात्री हैं जो बॉर्डर एरिया से आ रहे हैं, जैसे जो चीन से सटा हुआ बॉर्डर है वहाँ से जो आ रहे हैं, उनके लिए कम से कम स्वास्थ्य विभाग पर, स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी है। 15 दिन कम से कम स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में रहेंगे, एक तरह से मिनी क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले आते ही एयरपोर्ट पे उनकी सैंपलिंग होगी, ये एक मस्ट कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है कि जो ही एयरपोर्ट से वो बाहर होते हैं वहाँ पे एक टीम रहेगी स्वास्थ्य की, उनकी वो सैंपलिंग करेंगी और वो सैंपल जो है जाँच होने के बाद RT-PCR आने के बाद अगर वो वेरियंट से वंचित था तभी भी उनको 12 दिन तक मिनी क्वारंटाइन रहना होगा। और अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है, लक्षण मिलते हैं, तो निश्चित रूप से उनको 20 दिन के लिए जो है क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने जो है, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग जो है नए वेरिएंट को लेकर काफी सतर्क है। अभी सीएम योगी ने परसों ही इस में मीटिंग आहूत की थी, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई वेरिएंट ना आ पाए। प्रदीप, आप जरा दर्शकों को बताएं कि उत्तर प्रदेश में जो है राज्य सरकार इसको लेकर किस तरह से सतर्क है और क्या कुछ दिशा निर्देश राज्य सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, और इसके साथ ही स्वास्थ्य महकमे की अगर बात करें तो स्वास्थ्य महकमे ने क्या कुछ जानकारियां दी हैं, और उसी हिसाब से, क्योंकि देखिए राज्य सरकार को जब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो जानकारियां मिलेंगी फिर उस हिसाब से सख्ती बढ़ाई जाएगी और तमाम जो गाइडलाइन है वो जारी किए जाएंगे। प्रदीप जी, बिल्कुल, जिस तरह से टीम का गठन किया गया है और टीम को एयरपोर्ट पर रखा गया है, अगर वो जिस तरह से जानकारी उपलब्ध कराती है स्वास्थ्य विभाग को और संबंधित टीम को, उसी के अकॉर्डिंग आगे का वर्क किया जाएगा। और एक और जानकारी बताना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि अगर हम बात करें तो लखनऊ में एक स्पेशल वार्ड बना दिया गया है जो नए वेरिएंट से जुड़े हुए मामले हैं, अगर इस तरह की कोई बात होती है तो उनका जो इलाज है वो नए वार्ड में किया जाएगा, जो स्पेशल वार्ड बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है, मुख्यमंत्री खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में नया वेरिएंट आए इसको लेकर पूरा विभाग जो है सतर्क दिखाई दे रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए प्रदीप बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, अपनी नजर बनाकर रखिए, क्योंकि यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है।